हेलो फ्रेंड्स, द कंपनीज एक्ट आपके जो फाउंडेशन में जो बेसिक है कंपनीज एक्ट का वो डिस्कस किया गया है और चैप्टर का नाम क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना बहुत नेसेसरी है। रीजन बीइंग बिकॉज ये आपके फ्यूचर क्लासेस में, आगे की सीनियर क्लासेस में बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक इट इज लाइक अ फाउंडेशन चैप्टर फॉर यू, इससे आपकी नींव मजबूत होगी कंपनीज एक्ट के ऊपर, ठीक है ना। तुम देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है हमारे, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले तो कि सर, क्या इस एक्ट में और इस एक्ट में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है। देखिए बच्चों, दो तरह के एक्ट लिखे हैं मैंने, स्पेलिंग दोनों की एक है, पर क्या इस एक्ट और उस एक्ट में कोई डिफरेंस है। तो सर क्वेश्चन आता है कि सर, ये एक्ट जो होता है ये लॉ को डिनोट करता है और ये एक्ट जो है बच्चों आपका एक्शन को, एक्टिविटी को डिनोट करता है। इस एक्ट के अंदर कानून की बात बोली गई है और इस एक्ट के अंदर आपकी किसी एक्शन की बात बोली गई है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्ट। आप ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी आप यूज करोगे एक्ट, कानून वाला एक्ट, तो आपको कैपिटल ए लिखना है, छोटा ए मत लिखना, आपके मार्क्स कट जाएंगे। देखिए बच्चों, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करके आते हैं एग्जाम में और हमारे जो है एट द एंड हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस एक्ट वर्ड को हमको समझना बहुत जरूरी था। मुद्दा भी आता है बच्चों कि हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट, तो सर इस कंपनी का मतलब क्या होता है, इस कंपनी वर्ड का मतलब क्या होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा मुद्दा है कि सर, जब हमको कंपनी एक्ट, कंपनी वर्ड का मतलब मालूम पड़ जाएगा, फिर हम आएंगे कि कंपनीज एक्ट पढ़ क्यों रहे। देखिए, हमको ये जानना बहुत जरूरी होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि सर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप पे आता हूँ कंपनी की डेफिनेशन पे। डेफिनेटली आपने बेटा 11th 12th में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कंपनी की, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन पीपल कम्स टूगेदर फॉर अ कॉमन ब्रांड एंड बटर। आप लोगों ने ऐसी डेफिनेशन पढ़ी है, मैं जानता हूं, ठीक है ना। बट अब मैं आपको बता दूं कि व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल एग्जाम, कंपनी की वो डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है। कंपनी की डेफिनेशन आपको क्या समझनी है, क्या लिखनी है बच्चों, जो आपके कंपनीज एक्ट ने दे रखी है, जो आपके कंपनीज एक्ट ने दे रखी है। और अब कंपनीज एक्ट ने भी कहां डेफिनेशन दे रखी है, मैं ये डिस्कस करूंगा आपसे। देखिए, कंपनीज एक्ट ने आपकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 220 के अंदर। देखिए, मुद्दा अब ये सामने आता है कि बच्चों, ये 2 के आगे जो 20 लगा हुआ है, वेदर इट इज सबसेक्शन और इट इज अ क्लॉज। देखिए, यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज जो है एक मिस्टेक कर जाती हैं और वो हमको प्रैक्टिकल लाइफ में मालूम पड़ती है जब हम इंटरव्यूज फेस करते हैं कि सर इसको सबसेक्शन बोले या क्लॉज बोले। तो देखो बेटा, ये तो देखो क्लॉज है, अब मैंने बोल दिया तुम मान लो, इससे बात चलेगी नहीं। मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि ये क्लॉज क्यों है। सबसे पहली बात कि 2 के आगे जो ब्रैकेट ओपन होके 20 लिखा हुआ, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये सबसेक्शन है क्लॉज, ये कैसे मालूम पड़ता है। तो आपको इसके लिए एक ऊपर का और एक नीचे का, 219 और 221, ये भी चेक करने पड़ेंगे बच्चों, आपको ये भी चेक करने पड़ेंगे। और इफ देर इज एनी कनेक्टिविटी और लिंकेज बिटवीन दिस 219, 220 एंड 221, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर सबसेक्शन। सर क्या लिंकेज, क्या कहना चाहते हो? अगर बच्चों 219, 220 और 221 कहीं से भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है आपका सबसेक्शन है। तो देखो, 219 क्या बोलता है बेटा, गारंटी कंपनी। 220 क्या बोलता है, कंपनी। 220 क्या डिस्कस डिफाइन करता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को। तो बच्चों, आप ये फाइंड करोगे कि 219, 220 एंड 221 में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, दैट्स व्हाई ये 220 जो आपका है ये क्या है, क्लॉज। और अगर कोई कनेक्टिविटी होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, सबसेक्शन बोलते हैं। तो ये मिस्टेक कभी मत करना कि इसको सबसेक्शन बोल के आ जाओ, ये क्या है आपका, क्लॉज, इट इज योर क्लॉज। तो हम क्या बोलेंगे, 2 क्लॉज 20। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल समझ में आ गई। यस बच्चों, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20। मैंने आपको बता दिया था कि ये क्लॉज है, सबसेक्शन नहीं है।
अब देखते हैं बेटा क्या बोला गया। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मैंने कुछ इसके लिए कुछ सर्कल्स बनाए हैं, मैंने मींस वर्ड के ऊपर सर्कल बनाया, इनकॉर्पोरेट वर्ड के ऊपर सर्कल बनाया, दिस एक्ट के ऊपर सर्कल बनाया और प्रीवियस कंपनी लॉ के ऊपर सर्कल बनाया। हम इस डेफिनेशन को पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस करके देखते हैं बेटा। तो देखिए सर, सबसे पहले डेफिनेशन में जो वर्ड आता है वो आ रहा है आपका मींस। क्या वर्ड आ रहा है बच्चों? मींस वर्ड आ रहा है। तो सर क्या डिफरेंस होता है मींस में? तो सर जब भी किसी भी डेफिनेशन के अंदर मींस वर्ड आता है तो वो डेफिनेशन आपकी रेस्ट्रिक्टिव नेचर की हो जाती है। कैसे नेचर की जाती है बेटा? रेस्ट्रिक्टिव नेचर की। क्या मतलब सर रेस्ट्रिक्टिव नेचर की जाती है? तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए बच्चों, मैंने दो चीजें बोर्ड पे लिखी है कि सीए फाउंडेशन बैच मींस हिमांशु अजय हर्षिता, और मैंने लिखा है सीए फाउंडेशन बैच इंक्लूड्स हिमांशु अजय हर्षिता। क्या इन दोनों में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस है क्या? ये आप लोग मुझे बताएं। यस सर, बिल्कुल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, इधर लिखा हुआ है कि सीए फाउंडेशन बैच मींस और इधर लिखा हुआ है सीए फाउंडेशन बैच इंक्लूड्स। क्या डिफरेंस आता है सुनना बेटा। सीए फाउंडेशन बैच मींस हिमांशु अजय हर्षिता, इसका क्या मतलब हो गया? क्योंकि यहां पे मींस वर्ड लग गया तो इसका मतलब ये है कि सर सीए फाउंडेशन के बैच में कौन कौन है? हिमांशु अजय और हर्षिता। क्या सर कोई चौथा स्टूडेंट और हो सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि मींस वर्ड ने इस डेफिनेशन को क्या कर लिया है? रेस्ट्रिक्टिव नेचर का बना दिया है। अब सर इन तीन के सिवा कोई चौथा इंसान सीए फाउंडेशन के बैच में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर क्या लिख दिया है मैंने? सीए फाउंडेशन बैच मींस हिमांशु अजय हर्षिता, बस खत्म। तीन के बाद ये डेफिनेशन खत्म, चौथा इंसान इसमें नहीं आएगा। ये बात समझ में आएगी? नहीं सर, बिल्कुल से समझ में आ गई। और इधर मैंने क्या लिखा? सीए फाउंडेशन बैच इंक्लूड्स, मैंने यहां वर्ड क्या लिखा है? इंक्लूड्स। तो सर क्या मतलब हो गया? हिमांशु अजय हर्षिता क्या कोई चौथे नंबर में भी आ सकता है क्या? बिल्कुल सर। चौथे राकेश आ सकता है? सर बिल्कुल आ सकता है राकेश। क्या महेश आ सकता है? सर बिल्कुल आ सकता है महेश। क्यों सर? क्योंकि मेरी डेफिनेशन कैसे इंक्लूसिव नेचर की है। मैंने क्या बोला है? सीए फाउंडेशन बैच इंक्लूड्स हिमांशु अजय हर्षिता, और भी कोई लोग होंगे तो वो भी आ सकते हैं इसके अंदर। पर क्या यही राकेश और यही महेश यहां आ सकते हैं क्या? नहीं सर, यहां पे वो नहीं आ सकते। क्या यहां आएंगे? हाँ सर बिल्कुल, यहां वो आपके बिल्कुल अच्छे से आएंगे, आपके राकेश और महेश भी। रीजन बीइंग, रीजन क्या है बेटा उसका? बिकॉज यहां पे आपकी डेफिनेशन रेस्ट्रिक्टिव नेचर की है और यहां पे आपकी इंक्लूसिव नेचर की है। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? एक बार इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि सर मींस और इंक्लूड्स में क्या डिफरेंस होता है? आगे बढ़ते हैं। मैंने डेफिनेशन लिखी है कंपनी मींस अ कंपनी, तो सर यहां पे क्या मतलब हो गया कि सर जो मैंने डेफिनेशन दे रखी है ना कंपनी की, सिर्फ यही डेफिनेशन है कंपनी की। क्यों? क्योंकि मैंने डेफिनेशन में मींस लगा रखा है और कोई भी चीज कंपनी नहीं हो सकती इसके सिवा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में मींस आ गया है। तो कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। देखिए दूसरा सर्कल जो मैंने आपका बनाया है वो किसके ऊपर बनाया है बेटा? इनकॉर्पोरेटेड। सर अब इस इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है इनकॉर्पोरेटेड। सर मेरे को एक बात बताओ कि यहां पे हमने रजिस्टर्ड वर्ड क्यों नहीं यूज किया, इनकॉर्पोरेटेड वर्ड क्यों यूज किया है? सर हमने देखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप फर्म हो तो हम कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना पड़ता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्टर कराना पड़ता है। पर यहां हम क्या बोल रहे हैं कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। व्हाई सो बेटा? इसके बीच लॉ में हर चीज का लॉजिक होता है बेटा, मतलब 95% चीजों का लॉजिक होता है बेटा। तो सर रजिस्टर्ड कराना इनकॉर्पोरेट करने में क्या डिफरेंस है बेटा? देखिए इनकॉर्पोरेटेड वर्ड क्यों यूज किया है समझिए, और रजिस्टर्ड वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया है। देखिए रजिस्टर्ड वर्ड वहां यूज होता है जहां पे किसी भी तरह का सेपरेट
लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वहां पे क्या यूज होता है आपका रजिस्टर्ड, और अगर सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है तो वहां पे आपका क्या यूज होगा बेटा, इनकॉर्पोरेटेड। आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब तो मालूम है ना कि सर कंपनी और कंपनी के ओनर्स दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो अब सर देखो कि सोल प्रोप्राइटरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करती, वो पहले से एक एंटिटी बनी हुई है और उस एंटिटी को हमको जाके क्या करा देना है, रजिस्टर करा देना है। पर कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ये हमको मालूम है, कंपनी का एक फीचर आर्टिफिशियल पर्सन और कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी अपने आप में, इसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है, इस हमने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, दैट्स व्हाई यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है वो इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, क्योंकि ये अपने आप में एक स्पेसिफिक एंटिटी है। देखिए इनकॉर्पोरेटेड वर्ड कंपनी के लिए यूज होता है और आपका एलएलपी के लिए भी यूज होता है, और किसके लिए यूज होता है बेटा आपका एलएलपी, हम पढ़ेंगे एलएलपी भी, वही पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि सर एलएलपी क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम देखेंगे। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि सर इनकॉर्पोरेटेड वर्ड कंपनी और एलएलपी के लिए क्यों यूज होता है, बिकॉज दोनों का एक कॉमन फीचर होता है, क्या फीचर होता है कॉमन बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी को क्रिएट करते हैं, दैट्स व्हाई यहां पे रजिस्टर्ड वर्ड यूज नहीं होता। रजिस्टर्ड तो क्या होता है, जहां पहले से एक एंटिटी बनी हुई है उसको जाकर रजिस्टर कराना है बस, वो अपने आप में उसका मालिक और वो एक ही बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का ओनर और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म दोनों एक ही चीज होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए वो एक एंटिटी उसको रजिस्टर करा के आते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सर बिल्कुल अच्छे से आ गई। अगला जो आता है देखिए, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। नाउ सर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, सर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, सो मीनिंग ऑफ दिस एक्ट इज क्या मीनिंग है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोला गया, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, तो दिस एक्ट का मीनिंग क्या हुआ बेटा आप लोगों का, कंपनीज एक्ट 2013 के बाद समझ, दिस एक्ट का मतलब ये कौन सा एक्ट, कौन सा एक्ट पढ़ रहे बेटा, कंपनीज एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और क्या बात आ गई, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। एक मजे की बात आपको बताता हूं कि जब ये डेफिनेशन आई थी वो डेफिनेशन सिर्फ इतनी थी, कितनी थी, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड दिस एक्ट, फिर बाद में इस पोर्शन को जोड़ा गया और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मैं बताऊंगा ये लॉजिक कि इसको क्यों जोड़ा गया, क्या कॉन्सेप्ट है ये डिस्कस करूंगा, पहले ये डिस्कस करते हैं सर ये और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या होता है। देखिए कंपनी कौन सी है, कंपनी की डेफिनेशन क्या बताई गई, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो जो इस एक्ट के अंदर ही बनी हुई है और जो पहले भी कभी कोई कंपनी लॉ रहा था अगर उसके अंदर भी इनकॉर्पोरेट हुई है तब भी वो क्या कहलाई जाएगी बच्चों, कंपनी कहलाई जाएगी। सर तो पहले कौन सा लॉ रहा गया था, तो सर पहले जो है बहुत सारे लॉ थे, 1956 में भी कंपनी एक्ट था, 1890 में भी था, 1850 में भी था और सो इसको भी डिफाइन कर रखा है कंपनी एक्ट ने सेक्शन के अंदर कि सर प्रीवियस कंपनी लॉ कौन कौन से थे, तो वो सब भी डिफाइन हो रखे हैं। देखिए अक्सर लोग गलती करते हैं, प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब सर 1956 ले लेते हैं, नहीं सर उससे पहले भी बहुत सारे लॉस थे, उनमें भी अगर कोई कंपनी बनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी बोलेंगे। एक बार एक्ट को नोट डाउन करें फिर हम आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन पहले कितनी थी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो अब देखते हैं सर क्या कहना चाहता है डेफिनेशन, देखते हैं। देखिए मैंने बोला कि डेफिनेशन पहले इतनी थी और अब इसको एक्सटेंड करके लिख दिया गया और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, सर क्यों कर दिया गया ये समझते हैं। देखो लेट सपोज मान लीजिए ये जो है कौन है, मिस्टर ए, इनकी एक कंपनी है, ए लिमिटेड, क्या नाम है कंपनी का, ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड जो है बेटा वो
1964 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। इस ए लिमिटेड ने एक ऑफेंस किया कब? 2020 के अंदर, 2020 के अंदर इस ए लिमिटेड ने ऑफेंस कर दिया। कर दिया तो कर दिया, क्या कर दिया? देखिए एनसीएलटी की मैंने लिखा है बेटा, एनसीएलटी, एनसीएलटी कौन होता है, फुल फॉर्म क्या है पहले तो इसका, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इन शॉर्ट ये कंपनी के मैटर्स को सुनने वाली कोर्ट होती है। क्या होती है बेटा? ये कंपनी वाली कोर्ट होती है। क्या हुआ, इस एनसीएलटी ने इस ए लिमिटेड के ऊपर फाइन लगा दिया, कितना? 50 करोड़ रुपीज का। कितना फाइन लगा दिया बच्चों? 50 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया एज पर कंपनीज एक्ट 2013। क्या लगा दिया? ये मिस्टर ए की जो ए लिमिटेड कंपनी थी जो 1964 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, उसने कोई ऑफेंस किया, ऑफेंस करने मतलब कोई उसने वो क्राइम किया, ऐसा समझ लो, ठीक है ना, कोई क्राइम किया 2020 के अंदर, तो एनसीएलटी ने जो कंपनी की कोर्ट होती है उसने लेके इस ए लिमिटेड के ऊपर फाइन लगा दिया, कितने का? 50 करोड़ का। कितने का फाइन लग गया बेटा? 50 करोड़ का फाइन लगा दिया आपकी एनसीएलटी ने कंपनी के ऊपर, ठीक है। अब हुआ क्या कि मिस्टर ए क्या बोला कि हम एज पर मान के चलिए, पहले ये डेफिनेशन इतनी थी पहले जब ये सब केस हुआ, क्या बोला मिस्टर ए ने कि सर एज पर सेक्शन 220, 220 क्या बोलता था जब तक ये पोर्शन नहीं आया था, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना, दिस एक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था 2013 कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। क्या बोला कि सर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 हम तो कंपनी ही नहीं, हम तो कंपनी ही नहीं, हम तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो आपका सेक्शन है 2 क्लॉज 20 उसके हिसाब से तो कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है कंपनी? उन्होंने क्या बोला सर, आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, और हम कब इनकॉर्पोरेट हुए हैं? 1964 के अंदर। तो चूंकि हम तो 1964 में इनकॉर्पोरेट हुए और आपका एक्ट कब का है? 2013 का है, तो ये तो फैक्ट हुआ कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपने फाइन लगाया ना, आपने फाइन कैसे लगाया? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, तो हम तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से तो कंपनी ही नहीं होते, हम तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से तो कंपनी नहीं होते, और जब हम कंपनी नहीं होते तो हम पे आप फाइन कैसे लगा रहे हो, तो हम पे आप फाइन कैसे लगा रहे हो? तो क्या बोला गया, लॉ मेकर को मालूम था ऐसा कुछ होएगा, तो उन्होंने पहले ही इस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और क्या लिख दिया, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब प्रीवियस कंपनी लॉ तो बेटा कौन कौन से हैं, 1956 भी है, उससे पहले भी मैंने बताया 1890 में भी था, 1880 में भी था, और भी जितने प्रीवियस कंपनी लॉस थे, अगर किसी भी कंपनी लॉ के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हुए हो तो आपको क्या मान लिया जाएगा, कंपनी मान लिया जाएगा। तो मुझे बताओ कि जो एनसीएलटी ने 50 करोड़ का फाइन लगाया इस डेफिनेशन के हिसाब से, क्या वो सही लगाया कि लगाया? सो बिल्कुल लगाया, क्यों? क्योंकि और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो आप किसी भी कंपनी लॉ के अंदर अगर कंपनी रजिस्टर्ड हुए हो तो 2013 के लिए क्या मान लिया जाओगे, आप कंपनी मान लिया जाओगे। तो क्या ये मिस्टर ए की जो ए लिमिटेड है ये कंपनी हुई कि नहीं हुई? सर बिल्कुल हो गई, बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन, बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन ये क्या हो गई, आपकी कंपनी हो गई। और अगर कंपनी हो गई तो फिर भैया इसमें कंपनी एक्ट 2013 लगेगा, और जो फाइन लगाया है वो मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा बच्चों, पे करना पड़ेगा, मिस्टर ए को पे करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया आपको? आया कि नहीं आया? नोट करो उस एग्जाम्पल को।
क्या ये समझ में आ गई आपको सारी बात? मैं आगे बढ़ सकता हूँ सर? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा रीड करता हूँ, जो आपके मॉड्यूल में दे रखा है वहां से रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये कंपनीज एक्ट बेसिकली कहता क्या है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा क्या बोला गया, द कंपनीज एक्ट 2013 वॉज एनेक्टेड टू कॉन्सोलिडेट एंड एमेंड द लॉ रिलेटेड टू द कंपनीज। द कंपनीज एक्ट 2000 वॉज प्रिसीडेड बाय द कंपनीज एक्ट 1956। सबसे पहली लाइन क्या बोली गई देखो, द कंपनीज एक्ट 2013 वॉज एनेक्टेड टू कॉन्सोलिडेट एंड एमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। किस लिए आया था सर ये एक्ट? सर सर कंपनीज एक्ट 2013 ने आगे क्या किया, दो चीजें करी। क्या किया? कंसोलिडेट किया और अमेंड किया क्या? लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। देखिए कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है? मिलाना। अमेंड करने का मतलब क्या होता है? चेंज करना। तो यही तो क्या आज भी इसका एक एग्जांपल हम जब हायर क्लासेस में आएंगे तो देखेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आज भी कंपनीज एक्ट 1956 से कुछ प्रोविजंस और कुछ सेक्शंस चलते हैं। क्यों? क्योंकि इस एक्ट ने क्या किया, मिलाया है। कंपनीज एक्ट 2013 ने अपने अंदर पुराने एक्ट को मिलाया है और उस पुराने एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंजेस करे हैं। तो इसलिए लाइन क्या लिखता है, द कंपनीज एक्ट 2013 वॉज इनेक्टेड टू कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? सर बिल्कुल आराम से समझ में आ रही है, बिल्कुल आराम से समझ में आ रही है। फिर क्या बोला गया देखिए, हम लोग पढ़ते हैं फिर क्या बोला गया देखिए। ड्यू टू द चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टू फैसिलिटेट द एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956 एंड विद अ न्यू लेजिस्लेशन एंड द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स एंड द एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर। देखिए कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसा बना कि हमें लगा कि जो हमारा पुराना जो कंपनीज एक्ट है दैट इज 1956 वाला वो इतना एक्टिव नहीं है, हो गया वो इतना सूटेबल नहीं है आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो हमने उस एक्ट को रिप्लेस किया और एक नया एक्ट कौन सा लेके आ गए, कंपनीज एक्ट 2013 लेके आ गए। फिर क्या बोलता है देखिए, कितने सेक्शन है इसमें, 470 सेक्शन है आपके, 7 शेड्यूल्स है और 29 चैप्टर्स के अंदर ये आपका एक्ट डिवाइड हो रखा है। ठीक, फिर पॉइंट, द कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई द रेगुलेशन, strengthen the interests of the minority investors and for the first time legislate the role of whistleblower. देखिए कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या किया सर, थोड़ा प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना, गवर्नेंस इंप्रूव करी सर, जो स्टेक होल्डर्स है जिसने कंपनी के ना इन्वेस्ट कर रखा है उनका इंटरेस्ट या उनका जो है बहुत विशेष ध्यान रखा गया कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और कंपनीज एक्ट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके दिया, मतलब अब आपको कंपनी बना के काम करना इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हुआ करता था, तो 1956 के अंदर हुआ करता था, अब 2013 ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखते हैं बच्चों ये पॉइंट क्या कहता है, हम लोग देखते हैं इस पॉइंट को। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, हम समझते हैं क्या बोल रहा है।
देखिए हम क्या देख रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कंपनीज एक्ट 2013 कि सर ये कंपनीज एक्ट जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, मतलब ये कहां कहां पे आपका कंपनीज एक्ट 2013 जो है अप्लाई होता है। हम क्या देख रहे हैं बेटा कि कहां कहां पे आपका ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो अप्लाई होता है। तो देखिए क्या बोला गया, सबसे पहले ये कहां पे अप्लाई होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कोई भी कंपनी जो कहां इनकॉर्पोरेट हुई है, दिस एक्ट मतलब आपका 2013। देखिए ये पॉइंट हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, क्या उसके ऊपर आपका कंपनी एक्ट लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा उसके ऊपर आपका कंपनी एक्ट। सेकंड क्या बोला गया, एनी इंश्योरेंस कंपनी, सर इंश्योरेंस कंपनी भी कोई है उस पे भी आपका कंपनी एक्ट लगेगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस कंपनी? देखिए सर इंश्योरेंस जो करती है कंपनीज, आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, तो क्या सर उस इंश्योरेंस कंपनी में भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बट बेटा आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने पॉइंट नंबर सेकंड थर्ड और फोर्थ के आगे एक कॉमन डायग्राम लेके एक चीज लिखी है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द कंपनी एक्ट एंड स्पेसिफिक एक्ट। देखिए वैसे तो इंश्योरेंस कंपनीज पे कौन सा एक्ट लगेगा बेटा? कंपनीज एक्ट लगेगा। बट अगर इंश्योरेंस कंपनीज का खुद का भी एक्ट है, कौन सा बेटा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, IRDA एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच में किसी तरह की इनकंसिस्टेंसी हो गई। इनकंसिस्टेंसी का मतलब कि IRDA एक्ट ने एक बात कुछ और बोली और कंपनीज एक्ट ने एक बात कुछ और बोली, तो इस इनकंसिस्टेंसी और कॉन्फ्लिक्ट के केस में क्या अप्लाई हो जाएगा? आपका IRDA एक्ट अप्लाई हो जाएगा। सर क्या बात कह रहा, थोड़ी समझ में कम आई? देखिए फॉर एग्जाम्पल IRDA एक्ट ने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी के अंदर 8 डायरेक्टर हो सकते हैं। कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 8। वेयर एज आपके कंपनीज एक्ट ने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी के अंदर 9 डायरेक्टर हो सकते हैं। तो देखिए सर इनकंसिस्टेंसी पैदा हो गई कि नहीं हो गई? ये कह रहा है 8 होने चाहिए, वो कह रहा है 9 होने चाहिए, तो सर किसकी बात माने? आपको किसकी माननी पड़ेगी बच्चों? IRDA एक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो जो स्पेसिफिक एक्ट है IRDA एक्ट वो आपका अप्लाई होगा। तो देखिए बच्चों क्या बोला गया, इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो एक्ट बनाया गया वो कौन सा है? IRDA एक्ट, और एक कंपनी एक्ट भी है, और इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, इन केस ऑफ एनी यू नो कॉन्ट्राडिक्शन और लड़ाई बिटवीन द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट एंड कंपनी एक्ट किसकी चलेगी? IRDA एक्ट की चलेगी। सेम विद बैंकिंग कंपनी। अब बैंकिंग कंपनी होती है सर, क्या उसको भी कंपनी एक्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बट सर उसका भी एक स्पेसिफिक एक्ट है, कौन सा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच में अगर कोई इनकंसिस्टेंसी हुई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो क्या चलेगा? आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट चलेगा। अब ऐसा हो गया कि कंपनीज एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक कंपनी जो क्या करती है बिजली को जनरेट करती है और बिजली को बेचती है। आपको ध्यान होगा आपके घर पे जिसका बिल आता है अजमेर विद्युत निगम, तो वो क्या करती है? वो बिजली वाली कंपनी तो है। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी बना रही है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रही है, क्या उस कंपनी में भी कंपनी एक्ट लगेगा? हाँ सर उस कंपनी में भी आपका कंपनी एक्ट लगेगा। पर अगेन वही बात, इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट, कौन सा एक्ट प्रिवेल कर जाएगा बच्चों? कौन सा एक्ट प्रिवेल कर जाएगा? आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है वो प्रिवेल कर जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई। फिर अगला कौन सा एक्ट आता है बेटा? अगली कौन सी कंपनी आती है? एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट।